टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट में हम लोग फाइनल तो नहीं बोलेंगे वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग हमारी रीपेंटेड वाली 2010 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो को, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 2021 में, और अभी थोड़ा सा इसके ऊपर मिट्टी लगी है। उसका रीज़न ये है कि आज बिन बारिश वाला पूरा मौसम चल रहा है, तो हम लोग जो है साफ़ नहीं करा सके। लेकिन यतिन, मतलब जो कहते हैं ना कि जब गाड़ी निकलती है तो लोग मुड़ के देखते हैं, वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। वो बोलते हैं इस मॉडल में कलर आता ही नहीं भाई साहब, वो ये हो रहा है ना चीज़ स्टार्ट, क्योंकि इस मॉडल में कलर है ही नहीं है। चलो भाई, बहुत मतलब आप लगा लो कि मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई की ये चीज़ पूरी देखने के बाद मेरे को भी इससे एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ भाई, मेरे को भी कुछ ऐसा चीज़ करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उससे जो है हम लोग बहुत मास ऑडियंस को जो है टारगेट कर पाएंगे और लोगों को मज़ा आएगा। और इसके बाद भाई, मतलब वो नीचे हमारा मुसाफिर कार वाला नंबर डाला होता, लोगों के इतने कॉल आए, भैया ये पार्ट चाहिए, भैया वो पार्ट चाहिए। लेकिन भाई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है गाड़ी तैयार कर दी है। सबसे पहले अगर आप लोग पेंट का एक बार इसका पूरा देख लीजिए, ठीक है, इसमें पेंट जॉब कैसी की गई है, ठीक है। और ये जो आप लोगों की गाड़ी आती है, ये एक तरीके से ड्यूल कलर के पूरे मिक्सचर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी पूरी हमारी 100% रेडी है, लेकिन अगेन जितना मेजॉरिटी वाला बाहर का एक्सटीरियर लुक का काम था, वो हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर दिया है। एक रिक्वेस्ट जो लोगों की आ रही थी कि कितने पैसे लगाए, कितना क्या लगाया, वो बात करेंगे। सबसे पहले पेंट होने में गाड़ी को कितने दिन लगे भाई? एक महीना इसको पेंट होने में लग गया। उसमें क्या क्या पेंट करवाया था हमने? इसमें पूरी गाड़ी पेंट होती है, और मतलब जैसे एक पार्ट खोला गया था पूरी गाड़ी को, लगा लो पावर विंडो, लॉक, सीट सब खुला था, कारपेट वगैरह सब, अंदर बाहर पूरा कंप्लीट गाड़ी खुली थी। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको खुलने के बाद हमने थोड़ी प्रॉब्लम भी इसमें बीच में फेस करी, जिसमें स्पीडोमीटर में लाइटें आनी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल, वो अभी भी लाइटें आ रही है, ठीक है। और उसमें कुछ वायरिंग का इशू, जो वायरिंग मैंने नई डलवा दी थी, ठीक है। अब मैंने कुछ जो नया मॉडल का यहाँ पे कुछ आगे चेंज हुआ था, ठीक है, तो वो वायरिंग से मैच नहीं हो रहा है। अब मैंने इसकी नए मॉडल की वायरिंग ऑर्डर की हुई है, वो आएगी तब लाइटें हटेंगी। तो भाई अभी तक ओवरऑल खर्चा कितना कर चुके हैं उसके ऊपर? लमसम पकड़ दो टायर अलॉय पेंट वगैरह सब मिला के 2 लाख रुपए लगे। लेकिन भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आपने अच्छे रेट पे काम कराया, क्योंकि बाहर जो लोग मांग रहे हैं वो कितने रुपए जो लोग मांग रहे हैं इस काम का? जो मैंने जो स्टार्टिंग में पता किया था, ठीक है, सबसे सस्ता मुझे मिला था 4 लाख रुपए, मतलब मुझसे डबल। भाई ये अपने आप अगर आप काम कराने जाओगे तो आपको ये चीज़ तो सस्ती देखने को मिलेगी। अब अंदर से जो है, अभी आप लोग गाड़ी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से जो भाई गत्ते हैं उनका क्या रिपोर्ट है? गत्ते सर अभी मेरे हिसाब से, मैं कंपनी में बात की, वो 10 से 5 दिन में आ जाएंगे। 5-10 दिन? अच्छा, 10 दिन में वो भी आने वाले। तो भाई जो इसके गत्ते हैं ये पुराने वाले, अभी देख लो इस वीडियो में, ठीक है। ये मिरर सब काम कर रही है? सब काम कर रही है भाई। और ये आप लोगों की सीट है, इनके साथ अभी कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। सीट का क्या सोचा है भाई? सीट इसमें बकेट लगेगी, बकेट लगाएंगे, यही सीट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी जो टॉप मॉडल, मतलब 2021 वाले, सेम सीट है, कोई चेंज नहीं है। आर्मरेस्ट का अपग्रेड, सब कुछ सेम आ रहा है। तो भाई अगर आप लोग देखना चाहो, अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब डैशबोर्ड के बारे में काफी सारे लोग जो है बताएंगे कि भाई डैशबोर्ड 2021 वाला क्यों डलवाया, उसका रीजन बताओ भाई। सबसे बड़ा रीजन उसमें ये है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब 3-4 महीने। बिल्कुल, अगर मैं डैशबोर्ड फॉर एग्जाम्पल खुलवा भी दूं तो मेरी गाड़ी 2 महीना खड़ी रहेगी। अच्छा। और वो मैं चाहता नहीं हूँ, मैंने पेंट करा चुका हूँ, वो खड़ी रहेगी, उस स्क्रैच कोई ना कोई लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक स्क्रैच, मैंने मैकेनिकल वर्क के दी थी, उसने स्क्रैच ला के मुझे पकड़ा दी, ये लो जी गाड़ी। तो मेरा कोई पेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो मेरा भाई। वही यार, मतलब इतने पैसे लगा रहे हो आप इतनी मेहनत से, और उसके बाद आपको कुछ ना मिले तो वो चीज़ एक बिल्कुल मैटर करती है, ठीक है। रियर में अगर आप लोग गाड़ी देखना चाहोगे, गत्ते अभी देख लो, ये भाई लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, भाई वो महिंद्रा जो आप बना रहे थे कहाँ गई, तो लोगों ने वो क्वेश्चन पूछ के बहुत सारी चीज़ें हमसे कर रखी थी। अगेन इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी हम लोग पूरा तैयार करवाएंगे, जैसा हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लो, ठीक है, ये डिग्गी का कवर होगा जो पीछे आप लोगों का लगता है, वो भी आप लोगों को जो चेक करा देंगे। अभी फिर से इस वीडियो में आज मैं भाई से सब चीज़ें पूछूंगा कि 2010 से 2021 में कन्वर्ट करने में हमने क्या क्या चीज़ बदली है, क्योंकि जिसने पहली वीडियो मिस कर दी उसको ये चीज़ पता चल जाए, ठीक है। तो इसको भी खोलना पड़ेगा, ओके। सो वो यहाँ का कवर होगा ना? यहीं पर जो है वो कवर लगने का होता है। ये आप लोगों का रियर का लुक है, ठीक है। भाई ने अभी चलती गाड़ी कर दी है, और इंजन ओवरऑल के बाद भाई क्या मज़ा आ रहा है, पहले ये बताओ। पूरा मुझे तो नए वाला फील आ रहा है पूरा। तो भाई के बाद जो गाड़ी आया है वो है फॉर्चुनर भी है, उसके बाद थार भी है, उसके बाद अपनी सिविक भी है, और अपनी क्रेटा भी है, और भी कोई स्कॉर्पियो हो गई भाई। तो मतलब एक कहते ना, एक नई गाड़ी चलाने का फील होता है। तो आ रही कि नहीं आ रही गाड़ी? बिल्कुल आ रही है। तो भाई अब तुमने जो ऑडियंस को बताना है वो ये चीज़ बतानी है कि तुमने इस गाड़ी को जब पकड़ा था, तो मतलब जब तुम लेके आए इस कंडीशन में, तो क्या क्या चीज़ें तुमने इसमें चेंज कराई? तो एक बार बोनट भी खोल दो, पूरा अंदर से भी समझाना लोगों, मतलब सब एक अपने आइडिया से बता दो कि भाई ऐसे ऐसे था, और किसने आपकी सबसे ज़्यादा मदद करी, मतलब क्योंकि भाई ऑफकोर्स ही बात है यूट्यूब में तो बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है, भैया कन्वर्जन है, मेरे पास आ जाओ मैं ये कर दूंगा, तो मतलब इसमें फ्रॉड भी क्या चलता है ये भी बता देना भाई। वो जो यूट्यूब में बोलते हैं हम डालते हैं, वो डालते हैं, हम ये डालेंगे,
वो खाली बोलेंगे आपको एक बार उनको गाड़ी हैंड ओवर जाएगी ना, फिर बोलेंगे ये भी चेंज होगा वो भी चेंज होगा कि मैंने किया, और वो डालेंगे सेकंड हैंड ही, सेकंड हैंड, क्योंकि मैंने किया, मुझे लगा था कि कुछ कुछ पार्ट चेंज होगा, पर नहीं, अगर आप आगे से कन्वर्ट कर रहे हो तो आगे का फ्रंट 100% चेंज है पूरा। तो एक बार ऑडियंस को बता देते, जब हम लोग इस 2010 की गाड़ी को लेके आए थे, आप लोग यूट्यूब में या फिर गूगल में फोटो डाल के देख लेना 2010 की गाड़ी कैसे फ्रंट से दिखती है। सबसे पहले हमने इसका बंपर चेंज कराया, बंपर ठीक है, स्क्रैच की बात कर रहा था, ये स्क्रैच देखो जो लगी है, ये देखो भाई पूरा स्क्रैच मार गया। अब ये बड़ा दुख होता है, मतलब जब ऐसा होता है ना, मतलब जो कार लवर होता है उसके लिए तो है ही। तो ये जो आप लोगों का फ्रंट बम्पर है ये पूरा चेंज हुआ, उसके बाद ये ग्रिल चेंज हुई, उसके बाद आप लोगों की हेडलाइट चेंज हुई। अभी फॉग लाइट में भाई कह रहा है मैं कंपनी ऑल इन डलवाऊंगा, मुझे आईपीएस के प्रोजेक्टर लगाने, लाइट जिससे दूर जा सके। ये स्कूप भी चेंज हुआ पूरा, पूरी पूरी मतलब ये पूरा जितना बोनट था चेंज हुआ, कंप्लीट फेस चेंज है पूरा, ठीक है, बोनट भी हो गया आप लोगों का, ये फेंडर भी हो गया, और ये साइड वाला ये भी पार्ट फेंडर लाइन भी चेंज हुई है पूरी, मतलब भाई ये एम हॉक की बैजिंग भी अलग से आई होगी, सब कुछ आया यार, मतलब पैसा जो है वो भी चेंज है। अच्छा, और ये कॉल टॉप भी चेंज है भाई, आप मतलब अगर आप टेक्निकली बोलोगे तो ये गाड़ी आगे से पूरी चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज। इसका एक बार इंजन की शक्ल दिखा दो एक बार कैसे दिखती है, ठीक है, तो आपको जो है भाई एक बार लुक दिखा देंगे इंजन का, इसमें अभी शॉकर लगने बाकी है, ठीक है। और ये एम हॉक का आपने कवर बाद में लगवाया? नहीं, ये मेरे साथ ही आया था, इसके साथ ही है। अच्छा, इसमें सीआरडी वाला नहीं आता था? नहीं नहीं, मेरी एम हॉक है, मेरी सीआरडी वाली सिर्फ 2009 मॉडल में आता था, जो ओहो भाई ये तो आपको प्लस पॉइंट है भाई, ये चीज मेरे को नहीं पता था। और अगर आप देखोगे ऐसी भी कोई चीज है जो हम लोगों ने सेकंड हैंड रिपेयर कराई है, हमें कुछ कराना पड़ा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीजों का फुल प्रूफ काम हुआ, पूरा एसी चल रहा है, ए टू जेड पूरा चल रहा है, पूरा चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो मतलब जिस चीज को हम लोग छोड़ने वाले हैं वो हमारा केवल एक ही चीज रहने वाला है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड उसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। सेकंड हैंड भी कितने का मिल रहा है? सेकंड हैंड भी मुझे मिल रहा है लगभग 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का सेकंड हैंड, पर उसमें सारे पार्ट्स नहीं है, मुझे फिर भी नए लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, और वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दिक्कत ये है मेरे साथ, नहीं तो अगर होती तो भाई लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो ही जाता। चलो भाई, और अगर आप लोग साइड की तरफ आते हो भाई, साइड बता दो क्या क्या चीजें चेंज हुई है। आगे ये फेंडर हुआ है, ठीक है, फेंडर लाइन हुई है, ठीक है, ये फेंडर आर्च हुआ है, फेंडर आर्च हुआ है। इसके बाद इस दरवाजे की तरफ आते हैं तो नहीं, सब सेम है, दरवाजे से लेके कहाँ तक हम बिल्कुल सेम जा रहे हैं, ये क्वार्टर पैनल तक, क्वार्टर पैनल तक हम सेम गए। इसके बाद पीछे का क्या चेहरा चेंज हुआ है? डिग्गी चेंज है, ठीक है, और ग्लास चेंज है, ठीक है, लाइट चेंज है, डीप पिलर चेंज है, और ये जो वाइपर है, वाइपर चेंज है, वाइपर वाला डिफॉगर वाला, ये शीशा दूसरा लगा क्या? दूसरा लगा, नया लगा ये शीशा, नया लगा। तो भाई ये चीज है, लेकिन भाई मतलब यतिन इस चीज में मैं जरूर बोलूंगा भाई कि मतलब अब अगर तू स्टार्ट कर रहा होता, अब तेरे को पूरी नॉलेज हो भाई। हाँ। अब अगर तेरे को एक नई स्कॉर्पियो मिलेगी तो तू अब कितने दिन में तैयार कर सकता है? एक महीना, एक महीने में तैयार कर देगा? क्या मुझे पता कि कौन सा पार्ट कहाँ मिलेगा? अच्छा, मुझे पहले पता नहीं, तो मैं पूरी दिल्ली छान मारी कि ये पार्ट कहाँ मिलेगा। अच्छा, अब सब पता, वो वहाँ मिलेगा, एक महीने में रेडी है भाई। अगर आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मेरे को भी एक ओल्ड गाड़ी, क्योंकि मेरे को जैसा 2009-10 वाला सीन है, मेरी भी भाई से ही बात हो रही थी कि अगर मैं 10 मॉडल लेता हूँ या 10 से ऊपर वाला मॉडल लेता हूँ, थोड़ा दिल्ली में चलाने में दिक्कत मेरी आने वाली है, अगर मैं 15-16 मॉडल ले लूँ तो वो कन्वर्जन होना सही रहेगा, कैसा रहेगा? आप जितना पुराना मॉडल होगा आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी उसमें। अच्छा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चली होगी, सस्पेंशन वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने सस्पेंशन भी चेंज किया, ये भी बता दो, सब चेंज किया, सब चेंज, पूरी सस्पेंशन न्यू है? हाँ, न्यू, पूरा शॉकर वॉकर सब कुछ, शॉकर वगैरह सब न्यू है, लिंकर आरएम सब न्यू है। तो भाई अब जो चीज़ बनती है वो भाई इस गाड़ी में घूमने का है। मैं तो अभी तक इस गाड़ी के अंदर बैठा नहीं, मैं इस गाड़ी को चलाने के लिए अब थोड़ा सा भाई बाहर तक चलते हैं हम लोग। हाँ। और थोड़ा सा इस गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों को ड्राइव भी पता चल जाएगी और आपको फील भी पता चल जाएगा। गाइस अंदर हम लोग बैठ चुके हैं, जो लाइट्स आ रही है वो ये साइड में राइट वाली सारी, ये सब जो आपको साइड में राइट वाली दिख रही लाइट है, ये सारी लाइट है। मेरी गाड़ी 4x4 नहीं है, फिर भी ये 4x4 की लाइटें दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई ये कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग का फॉल्ट है, वायरिंग का फॉल्ट। तो ये लाइटें सब जल रही कि नहीं जल रही? सब जल रही भाई, सब कुछ ओके है। और भाई इस गाड़ी के अंदर जो सबसे जबरदस्त फीचर जो मेरे को जनरली नहीं पता था भाई, वो है मिरर। ये बैक का गियर भाई जैसे ही डालते हैं भाई, यहाँ पर पूरा का पूरा सेंसर बना जाता है। और इवन जैसे गाड़ी के पीछे मेरा कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसे मुझे दिखाया कितना दूर आपके, वो देखिए अभी दिखाएगा। ये जैसे मेरी पीछे एक गाड़ी आ गई, अब इसे दिखा दिया, ये देखिए स्टॉप 60-55। क्या बात है भाई, और ये शीशे भी थोड़े थोड़े टिंट है, मतलब ये शीशे आते हैं ऐसे? नहीं, टिंट है। अच्छा, टिंट कर रखे आपने भाई, मतलब यार पूरी फील आ रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यतिन थोड़ा सा डैशबोर्ड का भी करना ही पड़ेगा कुछ टाइम बाद, हैं? जब मुझे थोड़ी ज्यादा चुल होगी ना, फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें। अरे अभी चल रही है तो चल रही है, तो चल रही है। मैंने तो भाई को बोला था कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हो कहीं पर, हमें वो गाड़ी मिल जाए, वो उसका भी ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाए तो मुझे वो। उसके लिए हम लोगों को कहीं पर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्सीडेंटल गाड़ियों के ऑप्शन होते हैं। मायापुरी तो मैंने पूरा छान मारा, वहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मायापुरी से काफी सामान मिल जाता है? 80% सामान आपको मायापुरी से मिल जाएगा। अच्छा, जिसको अगर जैसे मुझे तो नया डाला, ये देखो भाई ये आप लोगों की नई वाली है,
ये नई शेप है अब, ये फॉर्च्यूनर, मतलब ये अपनी स्कॉर्पियो देख लो आप और हमारी स्कॉर्पियो देख लो। हमारे स्कॉर्पियो के रंग के लिए लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई ये रंग तुम लेके कैसे आए, ये कलर लेके कैसे आए। आकृति कैसा लग रहा है? आकृति के पास कौन सा, तेरे पास वेरिएंट कौन सा है? मेरे पास आई थिंक बेस है या बेस से एक ऊपर है। नहीं, ईयर कौन सा है? ईयर आई थिंक 2017 है ना, शायद 2017 मॉडल है। कैसी फील आ रही है? बढ़िया लगेगा भाई, मतलब यार इंजन तो बहुत साइलेंट है भाई। बिल्कुल, अब तक आप देखो इसका भी, क्या बात है भाई, बड़ा जबरदस्त है। अब भाई ने चला ली गाड़ी, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी थोड़ी देर, ठीक है? और जिन जिन लोगों को पता है हम कौन सी लोकेशन में, बता देना, वेंकटेश्वर स्कूल है आसपास, तो आगे आप लोग खुद बताओ। तो अभी भाई स्टीयरिंग का क्या अपडेट है? स्टीयरिंग चेंज होगा? अगर डैशबोर्ड चेंज होगा तो स्टीयरिंग वगैरह, गियर कंसोल सब चेंज होगा, फिर पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगी ना भाई। लेकिन जो क्लच है ना, मतलब अगर थोड़ा पास से आप लोग देख पाएंगे, ठीक है भाई, ये देखो, मतलब इतना स्मूथ है, मेरे को ऐसा लगता है मैं पूरा इसको बहुत इजीली दबा पा रहा हूँ। और अभी भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी भाई ने बना दी है, तो भाई फील तो आप लोगों को जो है वो अभी केवल सुनने में आएगी और देखने में आएगी। लेकिन तो भाई मेरे को कोई ओल्ड गाड़ी मिल सकती है फॉर, मतलब अगर मैं स्कॉर्पियो ढूंढ रहा हूँ तो? हाँ मिल जाएगी, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको 2012 से नीचे मॉडल नहीं जाना चाहिए। 2012 से नीचे नहीं जाना क्योंकि उसमें फिर उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा आपको। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वो दिल्ली में लीगली 2 से 3 साल चल जाए। हाँ तो फिर 2012 मॉडल ठीक है मेरे हिसाब से। 2012 मॉडल एक नहीं, 2015 ठीक है। 15 मेरे, मैं वैसे 15 के पीछे ही पड़ा हूँ, मैं भी 15 के पीछे ही लगा हुआ हूँ। कोई नॉइज नहीं गाड़ी में, सस्पेंशन में किसी में कोई नॉइज नहीं भाई। जब सिविक के टाइम पे भाई ने मेरे को बताया था कि क्या बोलते हैं, एक आवाज आती है तो वो दिमाग में नॉक करती रहती है कि भाई दूसरी गाड़ी में मेरी वो आवाज नहीं आनी चाहिए। मतलब अल्टीमेट है भाई। तो अगर तुम्हारा कभी मन बने इसको बेचने का तो मेरे को बता देना भाई। नहीं, बेचना तो है नहीं भाई। गाड़ी में यार जबरदस्त वाली फील है। तो ये लाइट्स का क्या कहते हैं, वो जो मतलब जिनको आपने गाड़ी दिखाई कि ये लाइट्स क्यों आ रही है? ये लाइट्स उसमें इसलिए आ रही है कि इसमें एक आगे जो लाइट्स की हेडलाइट की वायरिंग हुई है उसके कपलर अलग थे और मेरे जो पुराना कपलर था वो अलग था, तो मैंने आगे की वायरिंग भी नई डलवा दी इंजन बे की। जो इधर की वायरिंग है वो पुरानी रह गई, अब ये भी नहीं डलेगी तो वो लाइट ओके चलेगी भाई। लेकिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, पूरी फील न्यू कार वाली है, पूरी फील। पैसे भी तो न्यू कार के लगे ना फिर भाई। लेकिन मैं यही चीज़ कहता हूँ कि शायद से अगर ये काम मैं भी करवाने जाता ना तो मुझे 3-3.5 पेटी तो लग जाती है ना। लेकिन भाई ने हर चीज ढूंढी है, मतलब अगर हमें आगे अपनी फॉर्च्यूनर, क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो, ये 12 फॉर्च्यूनर मुझसे इसलिए निकल रहा है क्योंकि ओल्ड फॉर्च्यूनर को बनाने का मेरा भी एक बार मन था। लेकिन भाई स्कॉर्पियो के साथ में जो फील है ना भाई, वो अल्टीमेट है। और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ना थोड़ा सा, मतलब अब ऑटोमेटिक की आदत पड़ गई, लेकिन स्टिल भाई मजा आ रहा है भाई। भाई इसको पहाड़ वहाड़ में लेके जाओगे ना? बिल्कुल लेके जाएंगे, अभी ये कल परसों में जाएगी, पूरा इंटीरियर होने के लिए, स्टीयरिंग और स्टीरियो वगैरह, साउंड वगैरह सब उसके लिए जाएगी, फिर चलेगी नहीं। तो मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें डैशबोर्ड नहीं मिलता तो इसी डैशबोर्ड को बढ़िया से पेंट वेंट करा के, अगर प्लास्टिक पेंट होता हो, अगर जुगाड़ बन जाए पूरा प्लास्टिक अच्छे पेंट का, तो वो कर। ये तो अपना सेकंड ऑप्शन है ही, पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसका अंदर एक एसी यूनिट होता है, ठीक है, वो यूनिट मिल गया ना फिर तो डैशबोर्ड लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वो यूनिट नहीं मिल पाता? वो यूनिट नहीं मिल पाता है, वो मैंने कंपनी में पता किया, अब कंपनी के पास गाड़ी कैटलॉग तक नहीं है। अच्छा, लोग रेट वगैरह पता करते हैं ना, वो ही नहीं उनके पास, ये पुराना मॉडल हो गया, ज्यादा पुराना हो गया। लेकिन भाई जेन्युइन चीज बताऊं, जो इसका गियर नॉब अभी आता है उससे ज्यादा बढ़िया है ये, ग्रिप अच्छी देता है, ग्रिप अच्छी देता है। तो क्या कहती है आकृति, स्कॉर्पियो बनाई जाए? बना सकते हैं बिल्कुल। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरी वाली स्कॉर्पियो है उसके गत्ता मेरे पैर में टकराता है, इसका गत्ता तो नहीं टकरा रहा। इसका जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा ऊपर लेवल है और अच्छा। जो नई वाली का डैशबोर्ड थोड़ा बाहर आ गया, चुपता है, लगता है ना पैरों में? लगता है। इसका ये चीज देखो अंदर है, बाहर वाली का ये शार्प हो गया, बाहर आ रखा है भाई। लेकिन गाड़ी का अगर इंजन वाइज गाड़ी बात करोगे ना, 00 है गाड़ी पूरी, मतलब पूरी कहते हैं ना कि भाई मैंने अपनी गाड़ी का काम करवाया, 00 वाला काम है भाई, बढ़िया। ये काम इसलिए 00 मैंने क्योंकि अपने सामने खड़ा करवाया काम, ये पीछे से कोई काम नहीं हुआ इसमें, मतलब फील इतनी जबरदस्त। और आप अगर देखोगे ना, नॉर्मली जो गाड़ी के ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जब आप लोग एकदम से हाई आरपीएम से लो आरपीएम में गियर को शिफ्ट करते हो, अगर आप लोगों की गाड़ी के क्लच का काम हो रखा हो या फिर आपके इंजन का काम हो रखा हो, तो गाड़ी एक हमिंग की आवाज़ लेती है। ये देखो आप लोग, ये थर्ड गियर गई गाड़ी, अब यहाँ देखना,
ये भाई एक अच्छे रिफाइनमेंट की है कि गियर बॉक्स जो है वो अच्छी। तो गियर बॉक्स में भी कुछ काम वाम था? नहीं नहीं कुछ नहीं, उसमें क्लच प्लेट का काम होता, कुछ काम और कुछ काम नहीं था। मजा आ गया भाई, एक नंबर है, मज़ा आ गया भाई गाड़ी चलाकर। और अभी जो है भाई अभी इसमें और आगे काम कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। मेरे को आप लोगों ने बताना कि मेरे को 2015 मॉडल की गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कितने तक की मिल सकती है भाई 2015 मॉडल? वो तो किलोमीटर के बाद कितनी चली है, 2015 मॉडल अभी मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार किलोमीटर चली होगी, तो वो मिल जाएगी आपको यही 5-6 लाख रुपये। भाई मेरा भी यही गणित कहता है कि 5-6 और ज़्यादा अच्छी कंडीशन हो 6.5 लाख। हाँ उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर की नहीं बनती ना। और 5-6 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए और लगा के अगर वो गाड़ी दिल्ली में आपकी 3-4 साल निकाल दे तो बुरी तो नहीं है। बुरी, उसके बाद यूपी रेस करा लो जैसे मैंने कराई है। ठीक है भाई, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी हम लोगों ने। ठीक है भाई, और बाकी आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। भाई इस काम को करने में बहुत मेहनत लगी है, और कैसी लग रही है गाड़ी पहले बताओ? है कुछ डिफरेंट है अलॉय? मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को ऐसा लगता है कि भाई को अब चेंज कराना पड़ेगा कुछ अलग। जब ये मैंने नहीं लगवाई, ये मेरे को लग रहा है भाई 20 इंचेस के लिए जाएंगे। मैं 20 इंच के लिए गया था पर उसमें दिक्कत है, उसमें हब आएगा और मुझे हब नहीं चाहिए। फिर आपके बाद वो बबलिंग की दिक्कत, दुकान पहले मुझे बोल देता है कि भैया 100 के बाद थोड़ी सी बबलिंग आएगी, मैंने कहा यही नहीं भाई मुझे बबलिंग, तो यही डाल दे मेरे। तो भाई ये चलो ये भाई ने चीज़ आप लोगों को बता दी है, लेकिन अगर हम अब पूरा टोरा बनाएंगे तो मैं मेरे को पता है वो एक बार चुल लगने वाली बात है, तो बाद की बातें देखी क्यों। चलो भाई ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी होती है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्यार मोहब्बत सब कुछ फुल पावर रखो, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय कर दो भाई।